इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन ए प्लस बी कॉस एक्स और इंटीग्रेशन साइन डी एक्स अपॉन ए प्लस बी साइन एक्स। इस रूपों वाले समाकलनों को हल करना। तो पहला हम ये लेकर के चलते हैं कि माना I इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन डी एक्स अपॉन ए प्लस बी साइन एक्स है। अब सामान्य त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों का उपयोग करेंगे और a के साथ में एक का गुणा है तभी यहां पर a है, तो उसके साथ हम गुणा कर देंगे कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू का, और इसी प्रकार और ये जो साइन एक्स है इसे हम लिख सकते हैं टू टाइम साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू। तो हम लिख रहे हैं टू बी साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू। अब इस प्रकार इसको सरल करने के लिए हमें अंश और हर को कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू से भाग देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे कि अंश व हर को कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू से भाग देने पर, तो वन बाई कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू करेंगे तो मिल जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई टू। तो इसे हम डायरेक्टली लिख रहे हैं आई इक्वल टू है सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स अपॉन ए कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू वन, और फिर साइन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, ये मिल जाएगा टेन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस टू बी कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू से भाग दे रहे हैं, तो हर में जो कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू है इसमें एक कॉस एक्स बाई टू और ये वाला कॉस एक्स बाई टू कैंसिल हो जाएगा, और साइन एक्स बाई टू अपॉन कॉस एक्स बाई टू, तो आपको मिल जाएगा टेन ऑफ एक्स बाई टू, ये हमको मिल गया। अब प्रतिस्थापन का उपयोग करेंगे और लिखेंगे कि माना टेन ऑफ एक्स बाई टू इक्वल टू टी, तो यहां से मिल जाएगा टेन एक्स बाई टू का सेक स्क्वायर एक्स बाई टू फिर एक्स बाई टू का वन बाई टू और फिर डी एक्स इक्वल टू डी टी। और यहां से यदि हमें सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स निकालना हो तो ये दो को पक्षांतर कर देंगे तो मिल जाएगा टू डी टी। इस प्रतिस्थापन को यहां पर अप्लाई कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा आई इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स, इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं टू डी टी। ये ए वन प्लस टेन ऑफ एक्स बाई टू को हमने माना था टी, तो यहां पर ये आ जाएगा टी स्क्वायर, फिर प्लस टू बी आ जाएगा टू बी टेन ऑफ एक्स बाई टू अर्थात ये आ गया टी। अब हम यह कोशिश करते हैं कि जो टी स्क्वायर का गुणांक हो वह इकाई हो, तो यहां से हम ए को उभयनिष्ठ निकाल लेते हैं और दो ये तो अचर राशि है ये आपको यहां से इस प्रकार बाहर मिलेगा, और फिर ये आपको मिल गया वन प्लस टी स्क्वायर और फिर टू बी बाई ए इंटू टी। इसे पूर्ण वर्ग बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए यदि ये ए है तो टू ए बी बी के स्थान पर आ रहा है बी बाई ए, तो बी बाई ए का स्क्वायर हमें ऐड करना पड़ेगा और बी बाई ए का स्क्वायर सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो हमें मिल गया टी स्क्वायर प्लस टू बी बाई ए इंटू टी प्लस बी बी बाई ए का स्क्वायर हमने ऐड कर दिया और वन लिख करके बी बाई ए का स्क्वायर को सब्सट्रैक्ट कर दिया, अर्थात यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पद है ये हमें पूर्ण वर्ग दे रहा है, तो ये आपको मिल जाएगा टू बाई ए इंटीग्रेशन साइन डी टी अपॉन टी प्लस बी बाई ए का स्क्वायर प्लस, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर
अपॉन ए स्क्वायर। मान लेते हैं कि यह समीकरण एक है। अब इस समीकरण एक में अलग अलग स्थितियों को लेकर के हम सरल करेंगे। तो इसमें पहली स्थिति आती है, यदि ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन बी स्क्वायर, ए स्क्वायर का जो मान है ये बी स्क्वायर के मान से बड़ा होगा, तो इस स्थिति में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ये भी आपको धनात्मक मिलेगा। यह स्थिति होगी तब धनात्मक होगा। तो अब इसका यदि हमें समाकलन लिखना हो, इंटीग्रेशन dx अपॉन a प्लस बी कॉस एक्स, तो ये आपको मिल जाएगा 2 बाई ए इंटीग्रेशन साइन डी टी अपॉन टी प्लस बी बाई ए का स्क्वायर प्लस, इसे लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर। अब इस प्रकार के सूत्र आप पढ़ चुके हैं जहाँ पर लिखते हैं इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। इस सूत्र का उपयोग करके इसका हम समाकलन लिखेंगे। तो आगे हम लिख सकते हैं I इक्वल टू टू अपॉन ए इंटीग्रेशन साइन डी टी अपॉन टी प्लस बी बाई ए का स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, जहाँ पर k इक्वल टू है स्क्वायर रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए। चूँकि ये पूरी अचर राशि है, t से स्वतंत्र है, इसलिए हमने इसको एक अलग से कांस्टेंट या अचर राशि से निरूपित कर दिया या रिप्लेस कर दिया। तो इस प्रकार आगे सॉल्व करेंगे तो आपको, तो इसे आगे सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा वन अपॉन ए, तो वन अपॉन ए, ए के स्थान पर है के, टेन इनवर्स एक्स बाई ए और एक्स के स्थान पर है टी प्लस बी बाई ए अपॉन ए, ए के स्थान पर के। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं तो आपको मिल जाएगा टू बाई ए वन अपॉन के और के के स्थान पर स्क्वायर रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये जो a है इसको हम अंश में ले जाते हैं। फिर tan इनवर्स अंश में आपको मिल जाएगा ए टी प्लस बी अपॉन ए और k का मान हम यहाँ पर रख देते हैं, ये मिल जाएगा स्क्वायर रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इस a को हम इसके अंश में ले जाते हैं। तो यहाँ से जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये a और ये a कैंसिल हो जाएगा ये दोनों, और यहाँ से ये a और ये a कैंसिल हो जाएगा, तो आपको अल्टीमेटली मिलेगा इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन ए प्लस बी साइन एक्स इक्वल टू टू अपॉन स्क्वायर रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू टेन इनवर्स ए इंटू टी और टी का मान है टेन ऑफ एक्स बाई टू प्लस बी अपॉन स्क्वायर रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया। अब चलते हैं दूसरी स्थिति पर। दूसरी स्थिति में यदि ए स्क्वायर इज लेस देन बी स्क्वायर होगा, तो इसका मतलब ये कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर यह हमें ऋणात्मक मान देगा या ऋणात्मक होगा। तो समीकरण एक से आप लिखेंगे इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन ए प्लस बी साइन एक्स इक्वल टू टू अपॉन ए इंटीग्रेशन साइन डी टी अपॉन टी प्लस बी बाई ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो इसे आगे लिखा जा सकता है टू बाई ए डी टी अपॉन टी प्लस बी बाई ए का स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, जहां k इक्वल टू है स्क्वायर रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए। तो इस प्रकार के सूत्र हम उपयोग कर चुके हैं, ये कुछ इस प्रकार का के फॉर्मूले में आपको दिखाई दे रहा होगा।
इंटीग्रेशन dx अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये आपको मिलता है 1 अपॉन 2a log ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a। इस सूत्र का उपयोग करके हम इसका हम समाकलन लिख सकते हैं। तो आगे सरल करने पर आपको मिल जाएगा 2 अपॉन a, फिर 1 अपॉन 2a, तो 1 अपॉन 2a एक स्थान पर है k, फिर log ऑफ x माइनस a और x के स्थान पर है t प्लस b बाई a, माइनस a अपॉन t प्लस b बाई a प्लस k। अब जहां पर k है वह मान रख देते हैं, तो ये आपको मिल जाएगा 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन a k, k के स्थान पर है स्क्वायर रूट ओवर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन a, फिर log ऑफ, आगे सरल करेंगे तो यहां पर a t प्लस b आ जाएगा, a t प्लस b माइनस k, और k के स्थान पर ये मान हम रख देंगे स्क्वायर रूट ओवर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और ये अपॉन a और ये अपॉन a होल अपॉन, फिर से आ जाएगा a t प्लस b अपॉन a प्लस स्क्वायर रूट ओवर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन a। आगे जब सॉल्व करेंगे तो ये a और a कैंसिल हो जाएगा और हमें मिल जाएगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ओवर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इनटू log ऑफ ए टी प्लस बी माइनस स्क्वायर रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए टी प्लस बी प्लस स्क्वायर रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और आगे हम टी का मान टेन एक्स रखेंगे और आगे इसे सॉल्व करेंगे। तो इस प्रकार आपको मिल जाएगा इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन ए प्लस बी साइन एक्स इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ओवर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इनटू log ऑफ t के स्थान पर हम रखेंगे tan ऑफ x by 2, तो ये a इनटू tan ऑफ x by 2 प्लस b, फिर माइनस स्क्वायर रूट ओवर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होल अपॉन a tan x by 2 प्लस b प्लस स्क्वायर रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन डीएक्स अपॉन ए प्लस बी साइन एक्स इक्वल टू 2 अपॉन स्क्वायर रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू टेन इनवर्स ए इंटू टेन ऑफ एक्स बाई टू प्लस बी अपॉन स्क्वायर रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तब की स्थिति है जब ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन बी स्क्वायर हो, तथा इसमें जो दूसरी स्थिति है अभी जिसको हमने सरल किया इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन ए प्लस बी साइन एक्स इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू लॉग ऑफ ए टू टेन ऑफ एक्स बाई टू प्लस बी माइनस स्क्वायर रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए टेन ऑफ एक्स बाई टू प्लस बी प्लस स्क्वायर रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यह तब की स्थिति है जब ए स्क्वायर इज लेस देन बी स्क्वायर हो। तो यहां तक जा करके ये एंड होता है, हमने सॉल्व किया इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन ए प्लस बी साइन एक्स, दो अलग अलग स्थितियों में जब ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन बी स्क्वायर होता है और दूसरी स्थिति जब ए स्क्वायर इज लेस देन बी स्क्वायर होता है। दूसरा हम ये मान करके चलते हैं कि माना आई इक्वल टू डी एक्स अपॉन ए प्लस बी कॉस एक्स है, इसका समाकलन को हमें सरल करना है। तो इस समाकलन को सरल करने के लिए डी एक्स अपॉन ए के स्थान पर आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू का,
और बी के साथ में है कॉस एक्स, तो उसको आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। अब इसे सरल करके हम ए और बी के गुणांकों को कलेक्ट करेंगे, तो इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन, अब इसे सरल करके हम कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू के गुणांकों को पहले कलेक्ट करेंगे, यहां पर ए और यहां पर बी, तो ये ए प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू और ये ए माइनस बी साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। आगे इसे सरल करने के लिए हम अंश व हर में कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू से भाग देंगे, जैसा कि थोड़ी देर पहले हमने किया था, तो वन बाई कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू आपको मिल जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई टू और ये डी एक्स। इसी प्रकार ए प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू और कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू आपको मिल जाएगा वन और ये ए माइनस बी, इसको सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। अब यहां पर हमें प्रतिस्थापन का उपयोग करना है और आगे हम लिखेंगे कि माना कि टेन एक्स बाई टू इक्वल टू टी, दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे, टेन एक्स बाई टू का आपको मिल जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, फिर एक्स बाई टू का करेंगे तो मिल जाएगा वन बाई टू और फिर डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स इक्वल टू टू डी टी। इसको हम आगे प्रतिस्थापित करते हैं, सेक स्क्वायर एक्स बाई सेक स्क्वायर ऑफ एक्स बाई टू डी एक्स, इसको आप लिख सकते हैं टू डी टी अपॉन ये है ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी और टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, तो आपको मिल जाएगा टी स्क्वायर। तो यहाँ से हम कोशिश करते हैं कि टी स्क्वायर का जो गुणांक है यह इकाई हो, तो यहाँ से ये जो दो है ये अचर राशि है और ए माइनस बी को हम उभयनिष्ठ निकाल लेते हैं, ये ए माइनस बी, तो ये मिल जाएगा डी टी अपॉन ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी और फिर प्लस टी स्क्वायर। तो मान लेते हैं कि यह पहला समीकरण है और यही हम जो सॉल्व कर रहे हैं, तो अब इसमें दो अलग अलग स्थितियों का हम अध्ययन करेंगे। स्थिति पहली, तो इसमें पहली स्थिति है कि जब a इज ग्रेटर देन b, a का मान बड़ा होगा b से, तब हमें a प्लस बी अपॉन a माइनस बी यह धनात्मक मान देगा। ये जब धनात्मक होगा तो अब हम लिख सकते हैं i इक्वल टू टू अपॉन ए माइनस बी, इंटीग्रेशन t को हम पहले लिखेंगे, ये डी टी और ये टी स्क्वायर और इसको मैं लिख रहा हूँ स्क्वायर रूट ओवर ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इसका स्क्वायर, और आगे इसे लिख सकते हैं टू अपॉन ए माइनस बी, चूंकि ये जो राशि है ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी यह टी से रहित पद है अर्थात टी से स्वतंत्र पद है अर्थात यह अचर राशि है, तो इसे एक नए कॉन्स्टेंट से हम रिप्लेस कर देते हैं टी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, जहाँ के इक्वल टू स्क्वायर रूट ओवर ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, और इस प्रकार आप इसे सरल कर चुके हैं, इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये होता है वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, इस सूत्र का उपयोग करेंगे और आगे सरल करेंगे, ये मिल जाएगा टू अपॉन ए माइनस बी, फिर वन अपॉन ए अर्थात वन अपॉन के, फिर टेन इनवर्स एक्स अपॉन के एक्स अपॉन ए, तो ये टी अपॉन के। अब क्या करेंगे, के का मान और टी का मान इस समीकरण में रख देंगे और आगे सरल करेंगे, तो आगे हमें मिलेगा आई इक्वल टू टू अपॉन ए माइनस बी इन टू वन अपॉन के, तो के स्थान पर रखेंगे स्क्वायर रूट ओवर ए प्लस बी अपॉन स्क्वायर रूट ओवर ए माइनस बी, फिर टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए और यहाँ पर था टी और टी का मान है टेन इनवर्स और टी का मान है टेन ऑफ एक्स बाई टू अपॉन के, फिर के का मान फिर से रखेंगे स्क्वायर रूट ओवर ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, इसे सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा टू अपॉन
ये अंश में चला जाएगा और ये दोनों लगभग समान पद है, इसमें वर्गमूल नहीं है। ये आपको मिल जाएगा वर्गमूल स्क्वायर रूट के अंदर में a माइनस बी, और फिर ये स्क्वायर रूट के अंदर में अलग से a प्लस बी, और फिर टेन इनवर्स इसे सॉल्व करेंगे। ये a माइनस बी स्क्वायर रूट के अंदर में है, ये अंश में चला जाएगा, और फिर ये टेन ऑफ x बाई टू, फिर अपॉन में है a प्लस बी। तो इस प्रकार हमें मिल रहा है कि इंटीग्रेशन dx अपॉन a प्लस बी कॉस एक्स इक्वल टू टू अपॉन स्क्वायर रूट ओवर a माइनस बी स्क्वायर रूट ओवर a प्लस बी, और फिर टेन इनवर्स इसे आप लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ओवर a माइनस बी अपॉन a प्लस बी, और फिर टेन ऑफ x बाई टू जब a इज ग्रेटर देन b है। अब लेकर के चलते हैं दूसरी स्थिति में, समीकरण एक में ही देखेंगे, यदि a इज लेस देन b हो तब हमें a प्लस बी अपॉन a माइनस बी यह ऋणात्मक मान मिलेगा, ऋणात्मक होगा। तब समीकरण एक से इंटीग्रेशन dx अपॉन a प्लस बी कॉस एक्स इक्वल टू टू अपॉन a माइनस बी इंटीग्रेशन dt अपॉन t स्क्वायर माइनस b प्लस a अपॉन b माइनस a, ऐसा हम लिख सकते हैं। और यदि आगे सरल करना चाहें तो इसे आप लिख सकते हैं 2 अपॉन a माइनस बी इंटीग्रेशन डी टी अपॉन टी स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ओवर b प्लस a अपॉन b माइनस a इसका स्क्वायर, और लिख सकते हैं 2 अपॉन a माइनस बी इंटीग्रेशन डी टी अपॉन टी स्क्वायर माइनस k स्क्वायर, जहां k इक्वल टू स्क्वायर रूट ओवर b प्लस a अपॉन b माइनस a। और जैसा कि आप जानते हैं इंटीग्रेशन dx अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये आपको मिलता है 1 अपॉन 2a log ऑफ x माइनस a प्लस log ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a। तो इस सूत्र का उपयोग करके हम आगे इसे सरल करेंगे, ये मिल जाएगा 2 अपॉन a माइनस b, तो 1 अपॉन 2a, 1 अपॉन 2a, a एक का है यहाँ पर, a की वैल्यू k, log ऑफ x अर्थात t माइनस k, और ये फिर t प्लस k। अब k और t का मान हम रख देते हैं, तो ये आपको मिल जाएगा, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, a बाई a माइनस b, a माइनस b, तो ये 1 अपॉन a माइनस b, फिर k का मान ये है स्क्वायर रूट ओवर b प्लस a, अपॉन में आएगा तो उसमें अंश में लिख देता हूँ स्क्वायर रूट ओवर b माइनस a, फिर log ऑफ t, और t का मान है tan ऑफ x बाई टू माइनस k, k का मान फिर से यही रखेंगे स्क्वायर रूट ओवर b प्लस a अपॉन b माइनस a, और फिर से tan ऑफ x बाई टू प्लस स्क्वायर रूट ओवर b प्लस a अपॉन b माइनस a, और इसे जब और आगे सरल करेंगे तो देखिए यहाँ से हम एक काम कर सकते हैं कि इसको हम चेंज कर देते हैं b माइनस a में, तो यहाँ पर ये माइनस साइन आ जाएगा और यहाँ पर हम लिख सकते हैं b माइनस a। अब ये b माइनस a है, इसको स्क्वायर रूट ओवर b माइनस a इंटू स्क्वायर रूट ओवर b माइनस a लिख सकते हैं, तो यहाँ पर स्क्वायर रूट वाला पद और ये वाला पद कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा माइनस वन अपॉन स्क्वायर रूट ओवर बी प्लस ए, और ये वाला बी प्लस ए, और फिर ये स्क्वायर रूट ओवर बी माइनस ए ये पद, और फिर लॉग ऑफ हमें मिल जाएगा स्क्वायर रूट ओवर बी माइनस ए इंटू टेन ऑफ एक्स बाई टू माइनस स्क्वायर रूट बी प्लस ए अपॉन फिर से स्क्वायर रूट ओवर बी माइनस ए फिर tan ऑफ x बाई टू माइनस माइनस नहीं यहाँ पर प्लस आएगा b प्लस a। तो ये
जो हम जो इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे थे dx अपॉन a प्लस बी कॉस एक्स, इसका ये हल है। और यहाँ पर ये जो माइनस साइन है इसे प्लस में कन्वर्ट करना चाहें तो लॉग के बाद जो पद है जो हर में है वो अंश में चला जाएगा और जो अंश में है वो हर में चला जाएगा। तो चलिए आइए उसे देखते हैं। तो इसे आप लिख सकते हैं इंटीग्रेशन dx अपॉन a प्लस बी कॉस एक्स, और ये माइनस साइन हम हटा रहे हैं तो आपको मिल जाएगा 1 अपॉन, अब इसे मल्टीप्लाई करके आप लिख सकते हैं स्क्वायर रूट और बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो हमने लिख दिया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और फिर लॉग ऑफ हर में जो राशि है वो अंश में चला जाएगा, तो ये हमें मिल रहा है स्क्वायर रूट बी माइनस ए इंटू टेन ऑफ एक्स बाई टू प्लस स्क्वायर रूट ओवर बी प्लस ए अपॉन स्क्वायर रूट ओवर बी माइनस ए इंटू टेन ऑफ एक्स बाई टू माइनस स्क्वायर रूट ओवर बी माइनस ए। चूंकि आप जानते हैं कि लॉग ऑफ एम का पावर एन इक्वल टू एन लॉग एम, या फिर इसे दूसरे तरीके से आप समझ सकते हैं लॉग ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस वन माइनस लॉग ऑफ वन बाई एक्स, इस फॉर्मूले से हमने उसको इस तरीके से लिखा है। तो इस प्रकार फाइनली हमें यह मिल रहा है कि डी एक्स अपॉन ए प्लस बी कॉस एक्स इक्वल टू टू अपॉन स्क्वायर रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू टेन इनवर्स स्क्वायर रूट ओवर ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी इंटू टेन ऑफ एक्स बाई टू। ये तब की स्थिति है जब ए बड़ा है बी से, और डी एक्स अपॉन ए प्लस बी कॉस एक्स ये आपको मिल रहा है वन अपॉन स्क्वायर रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू लॉग ऑफ स्क्वायर रूट ओवर बी माइनस ए इंटू टेन ऑफ एक्स बाई टू प्लस स्क्वायर रूट ओवर बी प्लस ए अपॉन स्क्वायर रूट ओवर बी माइनस ए टेन ऑफ एक्स बाई टू माइनस स्क्वायर रूट बी माइनस ए। ये तब की स्थिति है जब ए इस लेस देन बी हो। ये दोनों स्थितियों पर हमने इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन ए प्लस बी कॉस एक्स को सरल किया। तो इसी प्रकार आप आगे प्रश्नावली में आने वाले प्रश्नों को भी इसी कंसेप्ट का उपयोग करके सरल कर सकते हैं।